बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी वे टू स्टिच। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये देखिए, ये मैं आज आपको बचे हुए कपड़े में से छोटी सी बच्ची का बेल बटन ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी। बहुत ईजी है। ये देखिए, ये हमारे पास बची हुई ट्राउज़र की साइड से बची हुई पट्टी है, इसमें से हम ईजीली छोटी बच्ची का ट्राउज़र बना सकते हैं कोई भी डिज़ाइन का। ये देखें, ये हमारे पास 23 इंच की लंबाई में है। ये चार पीसेज हैं इसके, ये देखें, दो ये हैं, दो ये हैं, चार पीसेज हैं इसके। और देखें इसकी हम कटिंग दिखाते हैं आपको। हमने जो ये अपनी ऊपर से रखनी है कमर वाली साइड से, हम रखेंगे 8.5 इंच, कुछ सिलाई में चला जाएगा। और मियानी हम इसकी बड़ी रखेंगे, तो हमने 11.5 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे। ये देखें, ये 1.5 इंच हम इधर से ले लेते हैं और फिर इधर से हम इसकी हल्की सी राउंड में ये गुलाई कर देंगे। ये हमारा सेंटर है। अब इसका हम सेंटर लेंगे बिल्कुल ये देखें, ये हमारे पास 11 इंच है। 11 इंच का हम माफ करेंगे तो 5.5 होगा। तो अब ये 5.5 इंच पर हम यहाँ दरमियान में इसका निशान लगाएंगे और फिर इधर से हम इसको शेप देते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर इधर से हमने जितना अपना ये पाइंचा रखना है उतना हम तिरछा ले लेंगे। हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे पाइंचा। ये देखिए, 9 इंच पर हमने पाइंचा रखा है। सिलकर ये हमारा 8 इंच का हो जाएगा। इधर से हमने ये शेप देनी है और इधर से हम तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए इधर से हम बिल्कुल गुलाई की शेप, हल्की सी गुलाई की शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से, जहाँ तक हमने ये निशान छोड़ा है सेंटर का। और ये सेंटर का भी हम लूज़ ही रखेंगे। ये देखिए 6 इंच रखा है, 5 इंच हमारा हो जाएगा सिलकर। तो हमारे लिए ये बहुत काफ़ी है बच्ची के लिए। देखिए हम इसकी कटिंग दिखाएंगे हम आपको। इसकी स्टिचिंग भी बहुत इजी है। ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है। सबसे पहले हम इसकी जो ये हमारी सिलाई है, हम ये वाली सिलाई सबसे पहले हम इन दोनों साइडों पर हम ये सिलाई लगाकर दिखाते हैं आपको। हमने ये दोनों पॉइंटों पर हमने ये साइड की सिलाई लगा ली है। ये देखें, इस पर भी हमने लगा ली है ये दोनों साइडों की। अब सबसे पहले हम इसकी मियानी पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो लास्टिक सीने के बाद भी डाल सकती हैं और पहले भी डाल सकती हैं। हम सबसे पहले अब इसके बाद हम इस मियानी पर सिलाई लगाकर दिखाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसकी मियानी पर एक सिलाई लगाकर फिर हमने ये लास्टिक डाला है। लास्टिक डालने के बाद फिर हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली और ये देखें इस तरह से हमने ये लास्टिक डाली। अब हम इसकी सेंटर की सिलाई लगाएंगे। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद हम इसको बारीक बारीक सा इधर से फोल्ड कर देंगे। हम ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे, छोटा हो जाएगा हमारा ट्राउज़र। अब हम आपको ये वाली सिलाई लगाकर दिखाते हैं। और ये देखें फ्रेंड्स, हमारा ये बेल बटन ट्राउज़र तैयार हो गया है। देखिए कितनी प्यारी शेप आई है इसकी। मियानी हमने बड़ी रखी है इसलिए ताकि बच्चे पैम्पर वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये। यकीनन आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। ये देखें इसकी शेप इतनी प्यारी है। इस साइड से थोड़ी सी चेंज और इससे भी चेंज और ये बहुत प्यारी इसकी सेटिंग आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।